酒とジャブレ。シャストル कहता है कि यदि तू जागना जानता है तो जाग, और जागना क्या है? इस संसार की भटाटवी में घूमना ये जागना नहीं है, जागना है कि चित्त के वृत्तियों को श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित कर दे, गोविंद चरणों में अर्पित कर दे, गोविंद के नाम का सुमिरन करे, यही जागना है। याद रखे जो कथा के बीच में बोलता है, बताओ अगले जन्म में क्या बनता है? अगले जन्मों से चमगादड़ बनना पड़ता है, चमगादड़िया बनना पड़ता है। इसलिए सत्संग में बोलना नहीं चाहिए। गोपियों से विदा मांगी और अब आकर के कृष्ण से मिले। कृष्ण ने कहा क्यों नहीं उठो, तो कहा कह रहा था कि आज जाऊंगा और कल वापस आ जाऊंगा। मुझ जैसे ज्ञानी की वहां कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन कृष्ण तुम भी निष्ठुर हृदय के हो, तुम्हें जाना चाहिए। उद्धव और कृष्ण के संवाद को विराम दिया। जय जयकार। और इसके बाद श्री शुकाचार्य कहते हैं कि पांडवों ने राजस्वी यज्ञ किया तो उसमें शिशुपाल ने आकर के भगवान की अग्र पूजा जब हो रही थी तो शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना शुरू कर दिया। ये ग्वाला है, ये फलाना है, अच्छा नहीं है। और जब भगवान को उसने बहुत सारी गालियां दी, भगवान ने उसकी मां को वचन दिया था कि 100 गालियों तक मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन 101 हुई तो बस। और 100 गालियां जैसे भी भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और शिशुपाल का शीश काट दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, बोले आनंद कंद भगवान। इधर तदोपरांत भगवान के विवाहों की चर्चा आई। रुक्मणी जी का भगवान ने हरण किया और रुक्मणी जी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ। कथाएं तो बहुत सारी है लेकिन समय का बहुत अभाव है। कथा प्रातः 10 बजे से शुरू होनी थी, शुरू हुई 12 बजे से, क्योंकि काम ज्यादा था, कुछ ऐसे ही हो गया, व्यवस्था एक लाट हो गई, तो अब कथाओं को केवल छूते ही जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी महारानी को भगवान से बड़ा प्रेम है। नारद ऋषि के मुख से जब से उन्होंने सुना कि भगवान श्याम सुंदर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो तब से वह भगवान को अपना परम प्रियतम मानती है। रुक्मणी महारानी ने भगवान श्याम सुंदर को पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के द्वारा पहुंचाया, तो उसके भाई भूमि आदि चाहते कि रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण से न हो, इसका विवाह गुणान भुवन सुंदर सुनते। भगवान जब से मैंने आपके गुणों को सुना तब से मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूँ। तब भगवान ने उसका हरण किया, रुक्मणी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह माँ कालंदी के साथ। इस प्रकार से एक एक करके भगवान ने 16108 विवाह किए। जय जयकार हुई और देवताओं ने फूलों की वर्षा की, बोले आनंद कंद भगवान की जय। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने 16000 पत्नियों के साथ विवाह कर दिया, लेकिन याद रखें ये जो 16100 कन्या थी या भौमासुर नाम के
एक असुर ने इन कन्याओं का हरण कर रखा था। और मेरे भाई बहन, तब जमाना ऐसा था कि यदि एक कन्या अपने घर से एक रात के लिए भी बाहर चली जाए तो उससे कोई विवाह नहीं करता था। आज भी ऐसी प्रथा है, आपके घर से गांव से कोई कन्या किसी के साथ चली जाए तो क्या समाज उसको स्वीकार करता है? नहीं करता। तो 16,100 कन्याओं को जो भगवान ने भौमासुर के कारागृह से मुक्त किया और कहा तुम अपने देश चली जाओ अपने घर, तो कन्याएं कहने लगी हे कृष्ण, इससे तो कारागृह ही ठीक था, क्योंकि अब हम वापस जाएंगे तो हमारे घर के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे और समाज में हमें ये कलंक लग चुका है कि हम भौमासुर की कैद में रहे हैं, इसलिए अब हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा, हमारा घर नहीं बसेगा। और भगवान इतने करुणा है, निधान है, इतने दयालु है कि उन्होंने 16,101 कन्याओं को कहा कोई बात नहीं जा। और तब इन्होंने गोपियों के रूप में शरीर धारण किया और इन्हीं श्रुतियों को भगवान ने अपनी अर्धांगनी बनाया। जय जयकार। इसके बाद भगवान की गृहचर्या को देखने के लिए श्री नारद बाबा आए, शिशुपाल का उद्धार हुआ। इससे पूर्व ही इन सब कथाओं को परीक्षित को यह जो शरीर है यह क्षण भंगुर है, देही नाम क्षण भंगुरा, इसलिए हे राजन जितना भी हो सके इस शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान का श्रृंगार, भगवान की पूजा, भगवान की कथा, कानों से भगवान की कथा सुनो, आंखों से भगवान का दर्शन करो, हाथों से भगवान की सेवा करो, यही जीवन का परम मंत्र है। तदंतर दत्तात्रेय भगवान की कथा आई। दत्तात्रेय भगवान एक दिन घूम रहे थे, प्रहलाद आदि को शिक्षा दी उन्होंने और दत्तात्रेय भगवान ने उसके बाद लोगों को बताया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। लोगों का तो एक गुरु होता है लेकिन दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। महाराज मैंने धरती को अपना गुरु बनाया और धरती से क्या सीखा? धरती से सीखा क्षमा दान देना, सहन शक्ति। हम धरती को अपने मलमूत्र से गंदा कर देते हैं, हम धरती मैया को जब खेत जोतते हैं तो हल से चीर देते हैं उसके सीने को, लेकिन बदले में फिर भी हमको अनाज देती है। कन्या से मैंने सीखा कि उस कन्या को देखने के लिए एक दिन उसके लोग आए उसका रिश्ता लेने के लिए, तो तब उस कन्या ने क्या किया, उस कन्या ने देखा कि घर पे कुछ है नहीं खाने को, तो थोड़ी धान पड़ी थी उसको कूटने लगी। कमरे में मेहमान बैठे जो उसे देखने के लिए आए हैं, जैसे ही धान कूटने लगी तो हाथों की चूड़ियां खनकने लग जाती है। उसने एक चूड़ी उतारी, दो रहने दी, फिर भी खनका पड़ता, फिर सारी उतार के दोनों हाथों में एक एक रखी और जब कूटा तो आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय भगवान ने उसको झट से अपना गुरु बना लिया और यह सीखा कि यदि संग में रहोगे ज्यादा तो आपस में बजोगे, इसलिए एकांत में ही भजन करना चाहिए, अकेले ही रहना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। वैश्या रोज श्रृंगार करती और ग्राहक का इंतजार करती। देखते ही देखते एक दिन वैश्या ने देखा कि एक मुर्दा जा रहा है, तो वैश्या ने पूछा ये कौन है? कहा तेरे द्वार पर आने वाला ग्राहक था, मर करके चला गया। वैश्या ने सोचा कि जितनी देर मैंने इस ग्राहक का इंतजार किया, इसके लिए सजी संवरी और ये आया भी नहीं मर गया, तो एक दिन तो मुझे भी मर जाना है। और इतनी देर में कृष्ण के लिए सजदी, कृष्ण का इंतजार करती तो भगवान मेरा कल्याण कर दे,
और पिंगला नाम की इस वैश्या ने तब से सब कुछ छोड़ करके केवल हरि के लिए ही सजना संवरना शुरू कर दिया और इसको दत्तात्रेय भगवान ने अपना गुरु बना लिया कि जितनी देर हो जितना समय हो भगवान की ही चर्चा में बिताओ। एक तीर बनाने वाले को भी दत्तात्रेय भगवान ने अपना गुरु बनाया। राजा की सवारी निकल रही थी तो ऐलान हुआ भाई राजा आ रहे हैं सब लोग हट जाइए, लेकिन मार्ग में एक व्यक्ति तीर बना रहा था बाण बना रहा था, इतना तन्मय था कि जिसने आवाज लगाई ढिंडोरा पिटाया उसको कुछ नहीं सुनाई दिया। राजा की सवारी आई कब निकल गई उस तीर बनाने वाले को पता ही नहीं चला। दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि साधक का जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए, भले ही ढोल कितनी बज रहे हों कितने मंजीरे बज रहे हों कितने विषयासक्त लोग आपके आसपास हों, लेकिन जब आपकी भजन की माला चल रही हो तो तब आपको पता ही न लगे कि घर में कौन आया कौन गया किसने क्या किया, अर्थात संसार की चिंताओं से मुक्त होकर के केवल भगवत भजन के समय केवल भगवत भजन ही करना चाहिए। इस तीर बनाने वाले से सीखा और इसे अपना गुरु बना लिया। मेरे भाई बहन एक कबूतर और एक कबूतरी को भी अपना गुरु बनाया। एक दिन बहेलिए ने जाल फैला दिया कुछ दाना डाल दिया, कबूतरी और कबूतर अपने बच्चों के लिए दाना लेने गए थे। कबूतर और कबूतरी के बच्चों ने देखा कि दाना पड़ा हुआ है उस जाल के ऊपर आए और फंस गए, विलाप करने लगे। कबूतरी आई और अपने बच्चों के बगैर रह न पाई उस जाल में चली गई उनको छुड़ाने के लिए। इतने में बहेलिया आ गया और कबूतर रोने लगा, आ मेरी प्रिया भी मर जाएगी, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरा घर बिखर जाएगा। इतने में बहेलिए ने जब उसका ध्यान अपने बच्चों की ओर लगा हुआ था तीर चलाया और उस कबूतर को मार डाला। दत्तात्रेय भगवान ने यह दृश्य देखा कि रोज हम बच्चों की चिंता में पत्नी की चिंता में मर जाते हैं लेकिन अपनी चिंता ही नहीं करते। इसलिए जीव को चाहिए कि अपना कल्याण पहले करे, भगवत आराधना करे, नहीं तो काल रूपी बहेलिया आएगा और जैसे वह कबूतर अपने प्राण धोवे दे बैठा, हमें भी एक दिन अपने प्राण देने पड़ेंगे। अभी भी जीवन से इतना मोह है कि मैं मर जाऊंगा। परीक्षित कहता है गुरु जी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक ही दुख है कि अभी आंखों से तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, अब मैं सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम को जाऊंगा। गुरु जी आपकी विद्या पर आपके मंत्र पर मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन हे गुरुदेव वहां आपका दीदार नहीं होगा, ये नेत्र आपको नहीं देख पाएंगे और जब मैं आपको नहीं देख पाऊंगा तो मेरा मन विकल हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं अत मेरे के तू तो मेरा प्यारा सा बालक है, अरे जहां तू बोलेगा जहां मुझे याद करेगा वहीं अपने पास मुझे पाएगा। परीक्षित प्रसन्न हो बैठा, फिर तो अब कोई चिंता ही नहीं और गुरुदेव के चरणों में वंदन करने लगा। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, ए हरि कथा को सुनाने वाले प्रभु कथा को सुनाने वाले तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। धन देगा परीक्षित ने कहा, तक्षक ने कहा कि परीक्षित जो धन देगा सो देगा, क्या तुम जहर निकाल सकते हो? तो हाँ हाँ। तो एक वृक्ष को डस लिया और जैसे ही वृक्ष को तक्षक ने डसा पूरा वृक्ष सूख गया। उस ब्राह्मण ने अपनी विद्या से उस वृक्ष को हरा कर दिया। या तक्षक समझ गया कि यदि मैं डसूंगा तो फिर ये जीवित कर देगा, इसलिए उन ब्राह्मण से कहा कि मेरे कार्य में आप अवरोध न करें, ये जितना धन आपको चाहिए मैं दे दूंगा, आप ले जाइए। और फिर महाराज परीक्षित गंगा के तट पर उत्तराभिमुख होकर के बैठ गए। एक पुष्प में कीड़े का रूप लेकर के आया राजा को, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते से पूर्व ही राजा भगवान के धाम को जा चुका था, केवल उसका शरीर इस दुनिया में था। बोली आनंद कंद भगवान की, और राजा परीक्षित को परम मुक्ति हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का परम धन है मेरे भाई बहन। आइए सब अपना सिर ढक लेंगे और जिसके पास सिर ढकने को कपड़ा नहीं हो केवल हाथ सिर पर रख देंगे। और एक बार कथा
का सार मैं आपको सुनाऊंगा, जो कथा मैंने आपको पहले दिन से सुनाई। तो थोड़ी देर सब अपनी अपनी जगह में बैठ जाएंगे, जो चाहे यदि वो भागवत का पाठ करा ले, कथा सुन ले, तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, उसके पितर उस पर कृपा करते, पितर दोष से मुक्ति मिल जाती है। कथा के अधिकार लीला का मैंने वर्णन किया प्रथम स्कंद में, जहाँ राजा परीक्षित की कथा आई, भगवान के अवतारों का वर्णन आया, महर्षि वेद व्यास का असंतोष नारद जी के पूर्व चरित्र से प्रथम स्कंद शुरू हुआ। दूसरे स्कंद में कथा आई साधन लीला की, जित आसन, जित स्वासा, जित संगा, जित इंद्रिया। साधन को अपने आसन को जीतना चाहिए, संग को जीतना चाहिए और अच्छे स्थान पर ही उठना बैठना चाहिए, तब वह जितेंद्रिय बनता है। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर के मिलन से कथा प्रारंभ हुई और मैत्री और विदुर के संवाद से तृतीय स्कंद को विराम दिया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र आया, ध्रुव महाराज की कथा आई। पंचम स्कंद में आपको जड़ भरत की कथा सुनाई, भरत जी महाराज ने हिरणी से मोह किया तो दूसरे जन्म में हिरण बने, पुनः भगवान का भजन किया और तब जाके ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, फिर भजन किया और परम गति को प्राप्त हुए, फिर आवागमन से मुक्त हो गए। उन्हीं भरत जी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पंचम स्कंद की पूर्णावती, छठे स्कंद में अजामिलो उपाख्यान आया, सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र आया, अष्टम स्कंद में राजा बलि की कथा से संजोया, नवम स्कंद को सुकन्या चरित्र और पूरी वंशावली सुनाई कि राजा राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ, माता कौशल्या ने डाल दिया पालना, जगत पिता झूल रहे बनकर के लालना, यशोदा को सुख पहुंचाने के लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रभु आए और हम जीवों का उद्धार किया। चंद्रवंश का वर्णन जब करने लगे तो कहा देवकी के यहाँ भगवान आए, तो परीक्षित ने कहा महाराज जब सूर्य वंश का वर्णन किया तो बड़े विस्तार से किया और जब मेरे कृष्ण की कथा आई तो आप शॉर्टकट मार गए, कथितो वंश विस्तारो भगवान सोम सूर्यो, हे महाराज जरा विस्तार से वर्णन करें। और तब देवकी और वसुदेव के विवाह की कथा आई, उनके पुत्रों का वर्णन आया जिन्हें कंस ने मार दिया, सातवें में बलराम जी आए, योग माया की अदला बदली ली, भगवान कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से गोकुल गए और गोकुल से योग माया कंस के हाथ आई, कंस के हाथ से छूट करके आकाश मंडल पर चली गई और कंस को कहा तुझे मारने वाला पैदा हो गया। दशम स्कंद में पूतनावत, शकटासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि उद्धार किया, श्रीधाम वृंदावन में प्रभु पधारे, वृंदावन में भगवान ने वेणुनाद किया, बांसुरी बजाई, गोपी गीत गाया, महाराज किया, वेणु गीत, युगल गीत, इन सब से सजोया, अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए और भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, कंस का वध कर डाला, जय जयकार हुई, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, बोली आनंद कंद भगवान। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में विदर्भ के राजा हैं, भीष्म उनकी कन्या थी रुक्मणी, जिनके साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ, यह कथा मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में छूते हुए बताई। दूसरा, भगवान के विवाहों की कथाओं के बाद शिशुपाल का उद्धार हुआ, दशम स्कंद पूर्ण हुआ और एकादश स्कंद में आपको मैंने कथा सुनाई, वसुदेव के यज्ञ में नारद जी पधारे, नारद जी को राजा ने भी और नौ योगेश्वरों का संवाद बताया, राजा प्रश्न करता है कि जीव का परम धन क्या है, जो जीव का परम धन है इस शरीर से, आंखों से भगवान का दर्शन, हाथों से भगवान की सेवा, कानों से भगवान की कथा, मुख से भगवान का नाम, यही जीवन का परम धन है, ऐसा करेंगे तो मुक्त होंगे अन्यथा दुखी ही रहेंगे। द्वादश स्कंद में शुभदेव स्वामी ने कलयुग का वर्णन किया, राजा को अंतिम उपदेश दिया कि मरिष्येति मरिष्येति राजन पशु बुद्धि निमाम तेज, राजन मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, और राजा ने अपने गुरुदेव का पूजन किया, गुरुदेव चले गए, तक्षक आया, तक्षक ने डसा और राजा को परम मुक्ति मिल गई, बोले आनंद कंद भगवान की। अंतिम श्लोक को जो 18,000वां श्लोक है उसको आप और हम मिलकर के गाएंगे, पहले मैं उसके बाद आप सब। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम,
नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। हरि ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यः अष्टादश सहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे त्रयोदश अध्याय संपूर्णो अयम् ग्रंथः त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय ग्राण सम्मुखो भूता प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए आनंद कंद भगवान की, मुरली तेरी नंद लाल की कमाल कर गई।